हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेड इजी 2.0 पे। तो आज हम लोग जानेंगे मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि मिसाइल्स के कितने टाइप्स होते हैं और क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि गाइडेड मिसाइल्स क्या होते हैं और अनगाइडेड मिसाइल्स क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो चलिए आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला बात कि क्रूज मिसाइल जो होता है उसका जो मारक क्षमता होता है, रेंज जो होता है वो कम होता है। रेंज इज लेस, रेंज क्या होता है वो कम होता है, लगभग 1000 किलोमीटर, अबाउट 1000 किलोमीटर तक ही इसका मारक क्षमता होता है, ठीक है ना। ये 1000 किलोमीटर के अंदर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इतना ही ज़्यादा तक यह मार कर सकता है क्रूज मिसाइल, इसका मारक क्षमता। जबकि आपका बैलिस्टिक मिसाइल होता है, इसका जो रेंज होता है वेरी हाई होता है, लगभग 4000 किलोमीटर, यानी 4000 किलोमीटर, यानी अबाउट 4000 किलोमीटर तक यह क्या कर सकता है, लड़ सकता है, इसका जो मारक क्षमता हो सकता है। दूसरा बात यह बोला गया है कि इसका जो एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड भी इसका कम होता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का जो एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वो ज़्यादा होता है, ये बहुत ऊपर जाता है, यानी वायुमंडल से ऊपर जाता है, यानी स्पेस में जाता है। स्पेस में जाकर क्या करता है, फिर वहाँ पर रुकता है, फिर उसके बाद अपने टारगेट को हिट करता है। ये बहुत ऊपर चल जाता है, बहुत ऊपर वायुमंडल को पार कर देता है, ठीक है ना। जितना भी रॉकेट मतलब छूटता है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की हेल्प से ही छूटता है, मतलब उसमें बैलिस्टिक, उसमें जानते हैं रॉकेट इंजन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी तीसरा बात ये बोला गया, ध्यान दीजिएगा, तीसरा बात ये बोला गया है कि ये जो होता है वो टैक्टिकल, यानी क्रूज मिसाइल को हम लोग टैक्टिकल मिसाइल भी बोलते हैं, टैक्टिकल मिसाइल भी हम लोग बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मिसाइल भी बोलते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका वर्ड आया एक टैक्टिकल मिसाइल और एक आया स्ट्रैटेजिक मिसाइल। तो टैक्टिकल मिसाइल क्या होता है, तो टैक्टिकल मिसाइल वह मिसाइल होता है जो अपने टारगेट को हिट करता है लेकिन उसको टेम्प्रोरी डैमेज करता है। टैक्टिकल मिसाइल वह मिसाइल होता है कि अपने टारगेट को हिट करता है, यानी अपने दुश्मन को हिट करेगा लेकिन उसको, कहने का मतलब हुआ कि उसको परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, मतलब कि ऐसा डिस्ट्रॉय करेगा कि वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो सके। परंतु ये जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल होता है ये हमेशा, यानी परमानेंटली क्या करता है, अपने दुश्मन को क्या करता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। मान के चलिए इसका टैक्टिकल एग्जांपल एक और देता हूँ, टैक्टिकल मिसाइल का एग्जांपल, अगर हमको आरडीएक्स को फेंकना है, आरडीएक्स को अपने, करने का मतलब है कि अपने टारगेट पर फेंकना है, तो आरडीएक्स को हम लोग टैक्टिकल मिसाइल के, मतलब कहने का मतलब ये टेम्प्रोरी है, ये किसी भी जगह को, यानी अपने टारगेट को क्या कर सकता है, मतलब टेम्प्रोरी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आरडीएक्स फेंकना हो, एक्सप्लोसिव को फेंकना हो, या छोटा मोटा बम को बम्बार्डमेंट करना हो, यानी अपने टारगेट को फेंक, मतलब अपने टारगेट पर तो फेंका लेकिन वह टारगेट को फेंकते हुए, यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि टारगेट को तो फेंका, जैसे एक्सप्लोसिव फेंके, हैवी एक्सप्लोसिव नहीं फेंके, हैवी आरडीएक्स नहीं फेंके, और हैवी आप बम बम्बार्डमेंट नहीं किए, क्योंकि इसमें सीधा सीधे यही बोला गया है कि किसी भी चीज़ को आप डिस्ट्रॉय करिएगा ना, वो फिर से क्या हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। परंतु स्ट्रैटेजिक मिसाइल अपने टारगेट को जब हिट करता है ना तो पूरा तरीका से डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो टैक्टिकल मिसाइल और स्ट्रैटेजिक मिसाइल कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें जेट इंजन के अलावा इसमें आपका रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जेट इंजन
और रॉकेट इंजन में क्या अंतर हुआ, क्योंकि क्रूज मिसाइल में आपका जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है और आपका बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। जेट इंजन बाहर से ऑक्सीजन को ले सकता है, बाहर से हवा को लेगा, फिर ऑक्सीजन को क्या करेगा, छांट लेगा। यानी जेट इंजन क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को बाहर से स्टोर करेगा, मतलब ले सकता है। परंतु रॉकेट इंजन में, रॉकेट इंजन जो होता है वो ऑक्सीजन को नहीं ले, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधी बात, यह वायुमंडल तक ही सीमित रहता है। जेट इंजन जितना भी इंजन, जैसे कहने का मतलब हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, एरोप्लेन देख रहे हैं, ये सब क्या है, जेट इंजन पे, जेट इंजन पे ये सब चलता है, जेट इंजन पे वर्क करता है। परंतु जितना भी रॉकेट इंजन जो होता है, मतलब जितना भी, मतलब हम लोग अगर हम लोग को वायुमंडल से ऊपर जाना होगा तो जेट इंजन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वायुमंडल से जब आप स्पेस में घूमते हैं, यानी स्पेस में घुसते हैं, तो आपका वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। ऑक्सीजन के कमी के कारण जेट इंजन वहाँ पर काम करना बंद कर देता है, इसलिए जेट इंजन के जगह पर हम लोग रॉकेट इंजन का यूज़ करते हैं। और ये हम यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका मारक क्षमता ज़्यादा है। अगर इसका मारक क्षमता ज़्यादा है तो इसका एल्टीट्यूड भी क्या होगा, ज़्यादा, तो ये बहुत ऊँचा पड़ जाएगा। अब ये बहुत ऊँचा पड़ जाएगा, यानी वायुमंडल को क्रॉस करते हुए कहाँ घुस जाएगा, अंतरिक्ष में, यानी स्पेस में घुस जाएगा। तो स्पेस में तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसके साथ फ्यूल के साथ, फ्यूल सिलेंडर के साथ साथ इसके अंदर आपका ऑक्सीजन का भी टैंक यानी ऑक्सीजन का भी सिलेंडर को ले दिया जाता है, लेके चला जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, जब वायुमंडल को क्रॉस करता है, तो वहाँ पर वायुमंडल को क्रॉस करने के बाद वहाँ से फिर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, तो रॉकेट इंजन काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये रॉकेट इंजन और हम लोग जेट इंजन के बात हम लोग कर लिए। अब यहाँ से बात ये बोला गया, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात कहें, पांचवा बात ये बोला गया है कि इसका जो पार्ट होता है, इसका जो पार्ट होता है वो ओपन नहीं कर सकते, इसका पार्ट मतलब अलग नहीं हो सकता, इसका जो पार्ट होता है क्रूज मिसाइल का, इसका पार्ट अलग नहीं हो सकता। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का जो पार्ट होता है वो अलग हो सकता है, पार्ट जो हो सकता है वो अलग हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बोले कि O2 क्या लेता है, आपका बाहर से लेता है, इसमें O2 यानी क्रूज मिसाइल में O2 बाहर से लेता है, ठीक है। और O2 किसी फ्यूल को जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और रॉकेट इंजन O2 को नहीं लेता, यानी बाहर से वो स्टोर नहीं करता, उसके अंदर सिलेंडर के अंदर आपका ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर दिया जाता है। जब वह वायुमंडल से ऊपर जाता है स्पेस में, स्पेस के बाद ये एक्टिवेट होता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपने टारगेट को हिट करने के लिए यह मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, वायुमंडल से ऊपर जाता है, स्पेस में पहुंचता है, तब जाकर अपने टारगेट को हिट करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका हम फिगर बनाते हैं कुछ देर में, ठीक है ना, इसका फिगर से हम अच्छा समझाएंगे। तो इसके बाद क्या होता है, स्पेस में पहुंचता है, तो वहां पर आपका ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ऑक्सीजन कमी हो जाता है तो इसके अंदर एक, और हम लोग क्या भेजे थे, एक ऑक्सीजन गैस भेजे थे, ऑक्सीजन भेजे थे, और इसके अंदर फिर किसी भी फ्यूल को लहकाने के लिए भाई ऑक्सीजन का जरूरत है। परंतु एक बात और याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन से आपका जो जलने वाला पदार्थ, जो आपका जलने वाला जो पदार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, बिना ऑक्सीजन, बिना, ध्यान दीजिएगा, बिना ऑक्सीजन से जलने वाला आपका पदार्थ एक होता है, वो सबसे अकेला होता है, वो जर्कोनियम होता है। बिना जलने वाला पदार्थ जर्कोनियम, ये जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जर्कोनियम, जर्कोनियम जो होता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। परंतु रॉकेट इंजन में भी आपका ऑक्सीजन, क्योंकि फ्यूल को क्या, फ्यूल को जलाने के लिए O2 का जरूरत है, और इसमें भी फ्यूल को जलाने के लिए O2 का जरूरत है, लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा मेटल है, मेटल ही है, ठीक है ना, इसका जो शायद एटोमिक नंबर कितना, 40 होता है, जो भी हो, जर्कोनियम जो होता है, इसको जलाने के लिए आपका ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक जल जाता है, ठीक है, जर्कोनियम। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोले भाई, कि जो इसका पार्ट जो होता है, इसका अलग नहीं हो सकता है, और इसका पार्ट, इसका जो पार्ट होता है वो अलग हो सकता है। तो ठीक है, इसका फिगर से हम लोग समझाते हैं।
हाँ, तो देखिए बैलिस्टिक मिसाइल कैसे वर्क करती है, अपने टारगेट को कैसे हिट करती है, क्योंकि पहले हम लोग पहले हम क्या बोले थे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसका एल्टीट्यूड बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका जो मारक क्षमता होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये वायुमंडल से ऊपर जाता है, स्पेस में जाता है, फिर उसके बाद एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद अपने टारगेट को सेट करता है, टारगेट को सेट करने के बाद क्या करता है, वो अपने टारगेट को हिट करता है और उसको बर्बाद करता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत सा पार्ट में क्या होता है, ये बहुत सा पार्ट में यानी पार्ट जो होता है इसका अलग हो सकता है, यानी पार्ट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई में है। अब इसको हम लोग बोलते हैं वॉरहेड, ये जो होता है वॉरहेड होता है, और ये होता है आपका इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव भरा हुआ है, एक्सप्लोसिव भरा हुआ है उससे हम लोग बोलते हैं पेलोड, उससे हम लोग बोलते हैं पेलोड। पेलोड के अंदर, पेलोड के यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसका पार्ट अलग हो सकता है, बट आपका क्रूज मिसाइल है उसका पार्ट अलग नहीं हो सकता है। और इसमें ए बी सी डी ई, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप पेलोड को क्या कर सकते हैं, इसमें भी पेलोड को स्टोर कर सकते हैं। आगे देखिएगा इसका काम क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब यहां से क्या है, वॉरहेड लगा दिया गया है और उसके बाद पेलोड लगा दिया गया है। अब ये वॉरहेड क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ये वॉरहेड, अब यहां से एक बात बताइएगा, वॉरहेड का काम क्या हो गया, वॉरहेड अब यहां से मिसाइल एक्टिवेट करते हैं हम लोग, जो भी हो एक्टिवेट हम लोग किए। अब ये एक्टिवेट किए तो ये कहां जाएगा, पहले तो भाई वायुमंडल में जाएगा और वायुमंडल से स्पेस में जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां पर एयर फ्रिक्शन लगेगा, ये वॉरहेड का सॉरी ये वॉरहेड का काम क्या होता है, ये वॉरहेड का काम कि जो भी अंदर यानी पेलोड के अंदर आपका हैवी एक्सप्लोसिव स्टोर किया गया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम आपका वॉरहेड का होता है। सीधा सीधी यही बात आप लोग याद रखिएगा कि वॉरहेड का मेन काम क्या होता है, कि इसको जब हम लॉन्च करते हैं और ये वायुमंडल के तरफ जाता है तो एयर फ्रिक्शन रोकता है, यानी एयर फ्रिक्शन रोकने के कारण क्या होता है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, घर्षण होता है, ज़्यादा घर्षण होने के कारण आपका पेलोड क्या हो सकता है, वो आपका ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ से हैवी वॉरहेड को हम लोग यूज़ करते हैं, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स से इस पेलोड को क्या करता है, बचा कर रखता है, क्योंकि पेलोड के अंदर आपका हैवी एक्सप्लोसिव स्टोर किया गया, इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। देखिए एक बात और आप लोग को क्लियर कर देता हूं, ये जो मिसाइल जो होता है ना, मिसाइल खतरनाक नहीं होती है, ये मिसाइल जो होता है वो खतरनाक नहीं होती है, इसके वॉरहेड और वॉरहेड के अंदर पेलोड के अंदर, वॉरहेड के अंदर और पेलोड के अंदर जो आपका एक्सप्लोसिव स्टोर किया गया है वो सबसे खतरनाक होता है भाई। ये तो जो मिसाइल होता है ना, इस एक्सप्लोसिव को ले जाने का काम करता है, ठीक है ना, एक्सप्लोसिव को ले जाने का काम करता है। तो एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो स्पीड जो होता है, हाइट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। अगर इसका वेट को हम बढ़ा देते हैं, इसमें और हम लोग पेलोड को स्टोर कर देते हैं, तो इसका वेट जब बढ़ेगा तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, ऑब्वियस भाई स्पीड कम हो जाएगा। तो इसका जो स्पीड होता है, हाइट होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वैरी करते रहता है। आप कितना आप इस पे एक्सप्लोसिव को स्टोर कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि आपका जो मिसाइल होता है वो खतरनाक नहीं होता है, खतरनाक होता है उसके अंदर पेलोड के अंदर कितना एक्सप्लोसिव खतरनाक को स्टोर किया गया है वो खतरनाक होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वॉरहेड भी समझा दिए, अब यहाँ से हम क्या बोले कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसका पार्ट अलग हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग लॉन्च किए तो ए पार्ट खुल गया, ए पार्ट खुलेगा तो इसका स्पीड और बढ़ जाएगा क्योंकि वेट कम हो रहा है। फिर उसके बाद बी सी डी ई में गया, इसको हम लोग क्या बोले, वॉरहेड बोले, इसको हम लोग क्या बोले, वॉर हेड बोले, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेलोड, पेलोड इसके अंदर पेलोड है, पेलोड के अंदर क्या स्टोर किया गया, हैवी एक्सप्लोसिव स्टोर किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बी और सी में खुल गया, ठीक है, बी और सी में इसको अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, डी और ई में, उसके बाद फाइनली क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फाइनली क्या होता है, फाइनली क्या होता है,
फाइनली क्या होता है, इस टारगेट को हिट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक मजे की बात और है भाई, एक बात बताइएगा, यहां पर तो इनेमी बैठा हुआ है, क्या ये खाली हाथ होगा? आप बता सकते हैं खाली हाथ होगा? नहीं। अब यहां से ये पूरा पार्ट इसका खुल गया है और यहां से भाई, यहां से टारगेट इनेमी अपना एंटी मिसाइल को क्या करेगा, लॉन्च कर देगा, वो भी ऑटोमेटिक लॉन्च करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए मिलेगी। अब ये क्या हुआ, पूरी तरीके से आपका जो वॉरहेड है, वॉरहेड ये आपका जो वॉरहेड है और पेलोड है, ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेलोड और वॉरहेड क्या हो जाएगा, पूरा एक तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा। अब ये इसका जो आपका रडार है, यह पूरा क्या करेगा, अपने सिस्टम को, मतलब अपने सिस्टम में शो करना स्टार्ट कर देगा कि भाई यहाँ पर आपका दुश्मन घुस गया है। ठीक है, अब हमको तो इस इनेमी को डिस्ट्रॉय करना है। अब इस इनेमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इतना मेहनत से भेजे हैं तो इसके अंदर एक बहुत ही घटिया पदार्थ होता है जिसको हम लोग डिकॉय बोलते हैं, जिसको हम लोग, आप हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिकॉय बोलते हैं। मतलब ये सीधा सीधी ये बात हुआ कि ये वॉरहेड के अंदर, और वॉरहेड के अंदर जो हम लोग यूज किए हैं पेलोड, पेलोड में ही हम लोग डिकॉय पदार्थ का यूज करते हैं। डिकॉय पदार्थ क्या होता है, वो गंदा पदार्थ होता है, मतलब खराब पदार्थ होता है। अब ये क्या करता है, यहां से आपका जो मिसाइल छूटा, एंटी मिसाइल छूटा, इसको मारने के लिए जो हम लोग मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल, सॉरी बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग लॉन्च किए, इसको हिट करने के लिए, अब ये ऑटोमेटिक फिर क्या होता है, ये फिर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फिर क्या होता है, यहां से एक और चीज ओपन हो जाता है, और वो ओपन होता है डिकॉय, डिकॉय ओपन हो जाता है। ये डिकॉय क्या करता है, इसको एंटी मिसाइल जो लॉन्च किया, इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब सीधा से दिया हुआ कि इस रास्ते को क्या करता है, डेविएट कर देता है, और ये क्या करता है, आपका जो पेलोड होता है ये अपने टारगेट को क्या करता है, हिट कर देता है और इनेमी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से समझिएगा, यहां से आपका जो पेलोड था वो पूरा तरीका से देखने में ओपन हो गया था, पूरा तरीका से। फिर समझिएगा, यहां से फिर समझिएगा, यहां से आपको यही दिख रहा है ना, यहां से, और यहां पर मेरा क्या है, टारगेट है, इनेमी है। जब ये इसके रडार में आएगा तो ये हलचल मचाना स्टार्ट कर देगा और यहां से एंटी मिसाइल छोड़ देगा। एंटी मिसाइल छोड़ेगा तब तो इसको बर्बाद कर देगा। तो इसके अंदर, यानी वॉरहेड के अंदर पेलोड, और पेलोड के अंदर आपका हैवी एक्सक्लूसिव, हैवी एक्सक्लूसिव लगने से पहले आपका एक डिकॉय पदार्थ का यूज किया जाता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर डिकॉय पदार्थ का यूज किया जाता है। वो डिकॉय पदार्थ का इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि टारगेट को, रास्ता को डेविएट कर सके कि हाँ भाई, कहने का मतलब टारगेट को इसको क्या कर सकते हैं, अपने भटका सके, अट्रैक्ट कर सके। तो यहां से ये भी क्या होता है, ओपन हो जाता है, एक पार्ट में आ रहा है, यहां से दो पार्ट में हो जाता है। तो ये टारगेट का इधर उधर ढूंढने लगेगा, जब किसको मारे किसको मारे, तो ये जाके मार देता है डिकॉय को। पहले वो निकलता है, डिकॉय वाला पदार्थ पहले निकलता है, ये चुपचाप रहता है, फिर उसके बाद डिकॉय को हिट करता है, और उसके बाद फिर क्या करता है, ये तो इसका खत्म हो गया मिसाइल। जब तक इसको दूसरा लॉन्च होते होते इसको अपने टारगेट को क्या करता है, हिट कर देता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? इसीलिए इसमें इसमें क्या होता है, डिकॉय पदार्थ का यूज होता है। सीधा सीधी बात यही समझिएगा कि अपने टारगेट, क्योंकि हम लोग मेहनत से भेजे, डिकॉय पदार्थ को क्या, डिकॉय पदार्थ क्या किया, अपने जो टारगेट था एंटी मिसाइल किया, एंटी मिसाइल को पाथ को क्या कर दिया, डेविएट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अंदर एक्सप्लोसिव भरा हुआ रहता है अपने टारगेट को हिट करता है और इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब रही बात, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक और नोट पॉइंट याद रखिएगा, नोट पॉइंट, जो आपका क्रूज मिसाइल होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्रूज मिसाइल जो होता है, क्रूज मिसाइल जो होता है वह आपका अर्थ का पैरेलल मूव करता है। ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और क्रूज मिसाइल क्या होता है, अर्थ के पैरेलल मूव करता है, यानी एकदम सीधा मूव करता है, सीधा सीधा मूव करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो ट्रैजेक्टरी पाथ को फॉलो करता है। ये दोनों में यही अंतर है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होगा वो
ट्रेजेक्ट्री मोशन को फॉलो करता है। ट्रेजेक्ट्री मोशन, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को मतलब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल कैसे जाता है, बॉल कैसे जाता है, मतलब बॉल तो हम लोग खेलते तो बॉल ऐसे आया, तो इससे हम लोग क्या बोले इससे हम लोग क्या बोले, यहाँ से कोई चीज़ ऐसे घूम कर आया तो इसको हम लोग क्या बोले, ये ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो किया। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि पहले क्या होता है वायुमंडल से ऊपर जाता है, फिर उसके बाद स्पेस में जाता है, स्पेस के बाद क्या होता है वहाँ पर अपना सब चीज़ रेडी होता है, अब रेडी होकर अपने टारगेट को सेटअप करता है, फिर जाके उसको हिट करता है, तो ये बहुत ऊंचा जाता है, इसलिए इससे हम लोग ट्रेजेक्ट्री पाथ को, ये क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है वो ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो करता है, जबकि आपका क्रूज मिसाइल जो होता है वो आपका क्या होता है अर्थ का पैरेलल मूव करता है, एकदम सीधे मूव करता है। अब एक बात और आता है, गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मिसाइल, एक आता है गाइडेड मिसाइल और एक आता है अनगाइडेड मिसाइल, अनगाइडेड मिसाइल। देखिए गाइडेड मिसाइल नाम से ही क्या लग रहा है, गाइडेड, जो चीज को हम लोग गाइड कर सकते हैं, यानी वह मिसाइल को हम गाइड कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो चीज को मतलब कोई भी मिसाइल को हम लोग लॉन्च किए अगर उसको हम लोग गाइड कर सकते हो, गाइड किसके द्वारा कर सकते हैं भाई, जीपीएस के द्वारा, गाइड किसके द्वारा कर सकते हैं, जीपीएस के द्वारा गाइड कर सकते हैं, उसके बाद क्या हो सकता है लेजर के द्वारा गाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं लेजर गाइडेड मिसाइल, तो इसको लेजर के, अब ये इसका यूज क्या होता है, अगर कोई लड़ाकू विमान आपका इधर उधर मूव करता है तो वहां पर आपका गाइडेड मिसाइल को यूज करते हैं। लड़ाकू विमान क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह, यानी कहने का मतलब अपने पाथ को क्या करता है, चेंज करता है, यानी अपने पाथ को चेंज करता है, मतलब अपने टारगेट को, कहने का मतलब यहाँ से हम मिसाइल को लॉन्च कर दिए। अब मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो भाई अब मिसाइल कहाँ पर जाकर हिट करेगा तो ये भी तो जाना है ना, इसको गाइड करने के लिए गाइड रहना चाहिए, तो इसको गाइड करने के लिए हम लोग क्या है, लेजर से भी हम लोग गाइड कर सकते हैं, जीपीएस के द्वारा भी हम लोग गाइड कर सकते हैं, कैमरा के द्वारा भी हम लोग गाइड कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला गया है गाइडेड मिसाइल। जो आपका लड़ाकू विमान इधर से उधर मूव करता है उसमें आपका गाइडेड मिसाइल यूज किया जाता है। दूसरा पहचान ध्यान दीजिएगा, पहला बात तो हो गया, दूसरा बात इसमें आपका विंग्स होता है, इसमें आपका विंग्स होता है। अगर पहचानिएगा कि गाइडेड मिसाइल क्या होता है और अनगाइडेड मिसाइल क्या होता है, पहला बात तो हम लोग बता दिए कि गाइडेड मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं जिसको इंसान के द्वारा या किसी चीज के द्वारा मतलब उसको गाइड कर सके, जैसे हो गया लेजर के द्वारा, जीपीएस के द्वारा, कैमरा के द्वारा। दूसरा बात इसको पहचानेंगे कैसे कि ये गाइडेड मिसाइल है कि अनगाइडेड मिसाइल है, जिस मिसाइल में आपका विंग्स दिख जाएगा वो एक गाइडेड मिसाइल होगा, और जिसमें आपका विंग्स नहीं दिखेगा वो आपका अनगाइडेड मिसाइल होगा, ठीक है। और इसको अनगाइडेड जब इसको छोड़ दिए तो फिर वो वापस नहीं आता है, मतलब अपने टारगेट को हिट भी कर सकता है और नहीं भी हिट कर सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं अनगाइडेड मिसाइल। मतलब इसमें नाग हम लोग यूज़ करते हैं, अब नाग के भी बारे में बताएंगे, ठीक है ना, नाग बताएंगे, ब्रह्मोस बताएंगे, बहुत है, ठीक है ना, बहुत मिसाइल है उन लोग बताएंगे। नाग जो होता है ये सीधे डायरेक्ट छोड़ दिया, पता नहीं टारगेट को हिट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन और होता है कि भाई बताइए कि आपका बैलिस्टिक मिसाइल सबसे खतरनाक होता है कि क्रूज मिसाइल आपके सबसे खतरनाक होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि क्रूज मिसाइल। मेरे हिसाब से तो क्रूज मिसाइल खतरनाक होना चाहिए, क्यों ध्यान दीजिएगा, क्रूज मिसाइल क्यों खतरनाक होना चाहिए, क्रूज मिसाइल ध्यान दीजिएगा, क्रूज मिसाइल खतरनाक होगा। लड़ाई कहाँ पे होती है, मतलब कहने का मतलब युद्ध कहाँ पर होती है, पड़ोसी से युद्ध होती है ना कि कब से कब दूर। अब मान के चलिए यहाँ जैसे भारत पाकिस्तान चाइना जो भी हो कुछ एग्जांपल ले लीजिए, अरे बाउंड्री के लिए हम लोग बाउंड्री के लिए लड़ रहे हैं तो भाई बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, वो बहुत दूर तक जाएगा, उसका मारक क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो पूरा स्पेस में जाएगा और स्पेस में जाकर टारगेट, अब ये क्या करता है मतलब सीधा सीधे अपने जाकर टारगेट को, क्योंकि इसका जो क्या होता है, इसका जो मारक क्षमता होता है कम होता है, वो डायरेक्ट क्या करता है अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय, तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए
अभी हम लोग का जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ इसमें मतलब क्रूज मिसाइल में बहुत ही पावरफुल काम कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल को थोड़ा सा मतलब इसको हैवी जनरेशन में मतलब क्या कर रहे हैं, इसको बदलाव कर रहे हैं, यानी क्रूज मिसाइल को एक अच्छा मतलब कहने का मतलब सीधा सीधे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को प्रीफर ज़्यादा नहीं करते हैं, क्रूज मिसाइल को सबसे ज़्यादा डीआरडीओ स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा। आने रेड्डी साहब ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हुए, ठीक है ना, डीआरडीओ के अध्यक्ष हुए। तो अभी डीआरडीओ सबसे ज़्यादा अपना टाइम क्रूज मिसाइल पर एक्सपेंड कर रहा है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा संभावना आपका पड़ोसी से होने का ज़्यादा रहता है, लड़ाई करने का संभावना, युद्ध होने का संभावना पड़ोसी से ज़्यादा होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल से सबसे अच्छा प्रीफर जी सतीश रेड्डी और हम। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।